कार मेरे पास करमपुरा से, तो आज की गाड़ी सेम हाईराइडर, और हाईराइडर का जो मॉडल मेरे पास आया बेस मॉडल MP07, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कस्टमर मध्य प्रदेश ग्वालियर से मेरे पास यहाँ पर आए हैं और गाड़ी लेकर आए अपनी बाय रोड चला के, और काम कराने के लिए प्लान किया था कि मुझे काम कराना है, इंटीरियर का काम कराना है, सिर्फ पार्ले बस से कराना है, तो आज की गाड़ी प्रॉपर हमारी होगी रेडी। फ्रंट प्रोफाइल के अंदर कुछ बहुत ज्यादा काम नहीं किया हुआ, क्योंकि जो शोरूम से इन्होंने सामान लिया था वो क्रोम के आइटम्स, कुछ हाईलाइटर की जो है वो आपको शोरूम से लेनी पड़ती है, आफ्टर मार्केट में टोयोटा देता नहीं है। तो फ्रंट की ग्रिल गाली से जो है ये शोरूम से लगी हुई मिली थी, और फ्रंट में जो प्रोफाइल है फ्रंट प्रोफाइल में हमने कुछ भी नहीं किया। साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो साइड में भी हमने कुछ बहुत ज़्यादा पार्ट्स नहीं लगाए, क्योंकि ऑलरेडी शोरूम से ये भी पार्ट जो है क्रोम गाली से इसकी हेडलाइट की और नीचे कॉपलेट गार्डेज, नीचे फ्रंट ग्रिल गाली से शोरूम से लगी हुई मिली थी। साइड प्रोफाइल के अंदर ये वाला पार्ट लगा हुआ मिला था शोरूम से, विंडो क्रोम गार्डेज, साइड की बिडिंग, डोर वाइजर, रूफ रेल, ये सारे पार्ट शोरूम से इनको लगे हुए मिले थे। तो अपने पास जो अपॉर्चुनिटी थी वो सिर्फ इंटीरियर्स की थी, इंटीरियर्स के अंदर जो हमें काम करना था वो आज मैंने प्रॉपर इसके ऊपर कर दिया। सारे पार्ट्स उनको लगे हुए मिले थे और हमने जो आज काम किया सिर्फ इंटीरियर्स पे किया, और जो बेसिक पार्ट्स थे वो जैसे मुझे लग नहीं रहा कुछ ऐसा कुछ हमने पार्ट इसके ऊपर लगाया है। डिक्की की जो क्रोम गार्नेज है वो भी शोरूम से लगी हुई मिली थी, जो बैक के ये पार्ट्स हैं ये वाले भी शोरूम से लगे हुए मिले थे, रिफ्लेक्टर गार्नेज इसको बोलते हैं, रियर टेल लैंप गार्नेज, रूफ रेल, ऑलमोस्ट जो है सारे पार्ट्स शोरूम से लगे हुए थे। तो एक ही चीज़ का प्लान करा था भैया ने, सिर्फ मुझे इंटीरियर्स कराना है और इंटीरियर्स आके मुझे कराना है कार्ले बास से। सो कार्ले बास मेरा ये दिल्ली में लोकेटेड है, और सारी गाड़ियाँ आपको पता है कि मेरे पास सारी ऑलमोस्ट गाड़ियाँ सारी बाहर से आती हैं, क्योंकि लग्जरी इंटीरियर्स जो मेरे पास होते हैं वो शायद और बाहर जगह नहीं होते हैं, और जो डिज़ाइनिंग होती है वो मेरी बिल्कुल डिफरेंट होती है, काम करने का तरीका प्रॉपर पूरा डिफरेंट है, और मेरा बेस एक्सपीरियंस जैसे मारुति रोने में मैंने जॉब की हुई है तो मेरा एक एक्सपीरियंस भी काउंट करता है कि जो मैं काम करके दे रहा हूँ बहुत अच्छा करके दे रहा हूँ मैं। तो सेम प्रोफाइल के हिसाब से, सेम क्रोम के तरीके के हिसाब से आज भी हमने इस गाड़ी को बिल्कुल लग्जरी मॉडिफिकेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो लग्जरी मॉडिफिकेशन की जो स्टार्टिंग है वो मेरी सेम आपको पता है मेरे सब डोर्स के हिसाब से होती है। सो डोर्स की परफॉर्मेंस, डोर्स के बटन, हर एक चीज़ को प्रॉपर पूरा ध्यान दिया गया है, और कलर कॉम्बिनेशन में पूरा दिया गया ध्यान, और किस तरीके से थ्रेड वर्क करना है, कहाँ पर ग्रीन चलाना है, कहाँ पर ग्रे चलाना है, ब्लैक चलाना है, सो उस तरीके से प्रॉपर इसकी थीम को सेट किया गया, और डोर पैनल उसके बाद हो गया रेडी। सो इसके अंदर प्रॉपर थीम दी गई है, ऊपर का ब्लैक पार्ट, नीचे का ग्रीन पार्ट, नीचे देन ग्रीन देन ब्लैक, बैक का कंट्रास्ट, गाड़ी हो गई प्रॉपर रेडी। डोर पैनल के अंदर हमने टू टोन के अंदर कन्वर्ट किया हुआ ब्लैक और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन, जिसमें K4 MB लाइट हमने इसके ऊपर यूज करी है, इसका फिट फिनिश कलर कॉम्बिनेशन सब एकदम लग्जरी। डैशबोर्ड का जो ये वाला पार्ट है इसके ऊपर भी हमने लेदर लाइट यूज करा हुआ है, AC वेंट को हमने पियानो ब्लैक किया, स्टीयरिंग पे हमने काम किया ग्रीन और ब्लैक कलर का डुअल टोन के अंदर लेदर रैप, फिट फिनिश आपके सामने एकदम सील सिक्योर बेस्ट, कहीं से आपको लेफ्ट राइट वाला कोई धागा नहीं नजर आएगा, कहीं से कोई मेरी गाड़ी की स्टिचिंग आपको टेढ़ी मेढ़ी नजर नहीं आएगी, जो कॉम्बिनेशन बना के दे दिया एकदम सुपर क्लास बना के दे दिया। सिस्टम भैया का पहले लगा हुआ था, वो इन्होंने बाहर से कहीं से कराया हुआ था तो वो हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। सो भैया का एक जो मेन था डिसीजन कि मुझे काम कराना है और मुझे सिर्फ इंटीरियर पे वर्क करना है, सो आज मैंने इस गाड़ी के ऊपर इंटीरियर वर्क कर दिया। AC वेंट्स इसके ऊपर नॉर्मल लगे हुए थे मैट फिनिश के अंदर, वो हमने पियानो ब्लैक में कन्वर्ट कर दिए। ये वाला पार्ट और नीचे का जो ये वाला पार्ट है इसको आज हमने ग्लॉस ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया, अदरवाइज पूरी गाड़ी इसको हमने डुअल टोन मैट फिनिश के अंदर पूरी तैयार करी है, ये जिसमें लेदर रैप का ये वाला पार्ट, स्टीयरिंग पे लेदर रैप, गियर बूट का जो कपड़ा ये लेदर रैप, गियर की नॉब लेदर रैप, सीट कवर का क्विल्टिंग का डिजाइन, आर्मरेस्ट का कवर, हेडरेस्ट के कवर, बैक का आर्मरेस्ट, हर एक चीज पे प्रॉपर पूरा ध्यान दिया, और गाड़ी उसके बाद पूरी प्रॉपर निकल के आई। पूरी गाड़ी का फिट फिनिश एकदम सुपर क्लास और इसकी लुक्स एकदम बिंदास। काम सेम हुआ कार्ले बास में, कार्ले बास का जो मेरा एड्रेस है ये दिल्ली करमपुरा का है, और मोतीनगर कीर्तिनगर मेट्रो मेरे बहुत पास में, जहां पर हम ये पूरी गाड़ियां रेडी करते हैं। सो K3 इसके अंदर हमने एम्बिएंट लाइट यूज करी, उसके साथ में इंटीरियर डिजाइन किया, इंटीरियर का काम किया हमने ग्रीन कलर के अंदर। कस्टमर का एक टच था कि मुझे जो काम कराना है मुझे सेम काम कराना है, मुझे अपना रेड कलर में काम कराना है, वाइन रेड के अंदर मैंने आपकी वीडियो देखी है। सो उसको पूरी थीम को हमने चेंज कर दिया सर की, और उसके बाद जो गाड़ी रेडी हुई वो एकदम सुपर क्लास रेडी हुई है हमारे पास। काम करने का तरीका, डिजाइनिंग, हर एक चीज एकदम प्रॉपर अपनी तरीके से प्रॉपर पूरी बनाई गई। क्विल्ट का काम किया, नीचे ब्लैक का फिनिश दिया, सेंटर आर्मरेस्ट पे कलर चेंज किया, गियर की नॉब पे डुअल टोन करा, साइड पैड्स पे काम किया, और सामने डैशबोर्ड के ऊपर काम किया।
डोर का ये वाला पार्ट डुअल टोन, ये वाले पार्ट्स में यहाँ डुअल टोन। सामने डैशबोर्ड का पार्ट सेम ब्लैक एंड ग्रीन डुअल टोन, ग्रीन एंड ब्लैक डुअल टोन, और यहाँ पर ग्रीन एंड ब्लैक डुअल टोन। इस पार्ट को भी नहीं छोड़ा भाई आज हमने, जो ये नीचे हम मैट कई बार इसको पियानो ब्लैक में कन्वर्ट करते हैं, जिसको भी हमने ग्रीन फिनिश में कर दिया। डैशबोर्ड का पार्ट, डोर की ट्रिम्स, हर एक चीज एकदम बेस्ट, एकदम बेस्ट। नॉर्मल सीट्स के अंदर हल्का सा कुशन होता है, तो इसके अंदर कोई ओरिजिनल कुशन की जरूरत नहीं थी। सीट्स की पैडिंग एकदम सुपर क्लास, और ये जो पार्ट है इसका, जो क्विल्ट का डिजाइन है, ये सेम ओरिजिनल डिजाइन है जो गाड़ी इसकी बनी हुई आती है, जिसमें फैब्रिक लगा होता है। सीट कवर्स हमारे बनते हैं कस्टमाइज पूरी डिजाइनिंग के हिसाब से, कहीं पर भी आपको एक भी इसमें निकल नजर नहीं आएगा, कहीं भी आपको इसमें थ्रेड टूटा हुआ नजर नहीं आएगा, कहीं भी आपको लेफ्ट राइट वाला कोई पार्ट नजर नहीं आएगा। डिजाइनिंग एकदम प्रॉपर, जो हार्ट शेप है इसकी सीट कवर की डिजाइनिंग की, उस पर प्रॉपर पूरा ध्यान दिया गया है। उसके अंदर ये हार्ट शेप दी, हार्ट शेप के ऊपर ये ब्लैक कलर का डिजाइन एक दिया कि थोड़ा सा जो इसकी सिमेट्री है वो बिल्कुल अलग रहे। नीचे क्विल्ट का काम किया गया, यहाँ पर ये प्रॉपर एक डिजाइन दिया गया बीच में, और जो ये वाला पार्ट है इसका सी स्टाइल, जो ओरिजिनल गाड़ी की सीट्स हैं। अगर आपके पास रॉ सीट्स हैं तो आप रॉ सीट्स को भी चेक कर सकते हैं कि इसकी डिजाइनिंग जो है सेम एज इज ऐसे ही होती है। सीट के ऊपर ब्लैक कलर का हमने इसमें नापा लेदर यूज किया हुआ है, जो आर्टिफिशियल लेदर होता है। यहाँ पर ये पॉकेट बन गई। पीछे एसी वेंट्स नॉर्मल है, सीट की डिजाइनिंग प्रॉपर नॉर्मल, बट काम करने का तरीका भाई एकदम सुपर क्लास। कोई आपको मेरे थ्रेड, कोई भी हेडरेस्ट के अंदर आपको मेरे जिप नजर नहीं आएगी। कस्टमाइज सीट्स के अंदर जो लूज कवर्स होते हैं, लूज कवर्स के अंदर हमारे चेन लगती है, और अदरवाइज जो ये सेमी बकेट सीट्स होती हैं, जो कस्टमाइज सीट्स होती हैं, उसको प्रॉपर पूरा सील किया जाता है, प्रॉपर 100% एकदम बैक के हिसाब से, गाड़ी के हिसाब से प्रॉपर पैटर्न दिया जाता है। हेडरेस्ट की प्रॉपर फिटिंग, हेडरेस्ट खुलने का तरीका एकदम बेस्ट, सारी चीजें एकदम चिल अपने हिसाब से प्रॉपर पूरी बेस्ट। अंदर की लाइट्स इसमें व्हाइट कर दी, थोड़ा सा एक रूम जब गाड़ी खुलती है तो उसका एक प्रेजेंट फील आता है, और जो बैठने का तरीका है या जो जो बंदा इसके ऊपर बैठ रहा है, जिसको पता चल रहा है कि हाँ यार ऐसी गाड़ी तो मैंने लाइफ टाइम या नहीं देखी, या कोई कलर डिफरेंट देखे हैं, सो इस गाड़ी को प्रॉपर पूरा टाइम दिया गया। सुबह आए गाड़ी, शाम को हमारी रेडी हो गई, और आज बहुत लेस टाइम के ऊपर, 9:45 की बात है, और 9:45 मेरी गाड़ी प्रॉपर रेडी हो गई। सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर बेस्ट तरीके से होती है। जैसे मैंने आपको डैम्पिंग वो दिखाया, इसके कंपोनेंट्स दिखाए, कंपोनेंट्स जो हैं वो ऑरा के हैं, और हाई सीरीज के 632 नंबर 400 वाट के इसमें हमने कंपोनेंट्स यूज करे थे, और जो आगे इनके लगे हुए थे स्पीकर्स, उसको भी आज हमने नॉर्मल स्पीकर्स में, जो आगे स्पीकर्स लगे थे एवेटार के, उसको हमने उठा के पीछे कर दिया। एवेटार के जो कंपोनेंट्स उसको बैक साइड में कर दिया, और जो ऑरा के स्पीकर कंपोनेंट्स हमने इसके ऊपर लगाए वो फ्रंट डोर के अंदर लगाए, ट्विटर के सैश इसके ऊपर लगाई, ट्यूटर की सांस लगाने के बाद प्रॉपर ये पूरा सील कर दिया है। ट्यूटर का जो थ्रो है वो प्रॉपर इस पे, जो इसकी सराउंड वॉल्यूम है उसी के हिसाब से प्रॉपर चलेगा। काम करने का तरीका भाई एकदम सुपर क्लास, हर एक चीज़ अपने हिसाब से और गाड़ी के हिसाब से प्रॉपर बनाई जाती है, पूरी डिजाइनिंग की जाती है उसके हिसाब से। और जो सेम अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, जो भैया हमारे पास आए ग्वालियर से गाड़ी लेके, और एक छोटा सा रिव्यू भी, मैं उसे फीडबैक भी लेना चाहूँगा कि किस तरीके से हमारे पास सोच के आए, वो कैसे उन्हें यहाँ पर काम मिला, और क्या जो उन्होंने सोचा था मिला या नहीं मिला। भैया जी आ जाओ, आप एक छोटा सा रिव्यू चाहिए आपका। हेलो भैया। हेलो जी, थैंक यू आपका बहुत बहुत आने का यहाँ पर। थैंक यू सो मच। गाड़ी आप लेकर आए हाइलाइटर बेस मॉडल जी, और बहुत सारी सीरीज से लगी हुई थी। बिल्कुल। इंटीरियर आपने सोचा था कि मुझे यहाँ से कराना है, तो मैंने गाड़ी लेने से पहले उस टाइम ही प्लान था कि मुझे इंटीरियर कराना है, तो पहले भी कराना। मेरी गलती ही रही, मैंने कुछ काम ऑलरेडी ग्वालियर से करा लिए, जो मुझे आज आके रियलाइज हुआ, बिकॉज काम आई नो मनी थोड़ा बहुत मैटर होता है ऊपर नीचे, बट द काइंड ऑफ थिंग दैट फिनिशमेंट, द काइंड ऑफ फिनिशिंग यू प्रोवाइड, तो वो एक बहुत अच्छी चीज हो जाती है यहाँ आके, जो मैंने आपको काइंड ऑफ प्रीमियमनेस और सजेशंस आल्सो यू प्रोवाइड, बिकॉज एवरी कस्टमर हैव ओन थॉट्स, एक कुछ बहुत सारी चीजें आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल है, बट द काइंड ऑफ फीडबैक, और बिकॉज आप उस काम को करते हो, तो इवन मैं जब आया तो मेरे माइंड में था चेरी रेड कलर आया था, तो भैया ने मुझे सजेस्ट किया दैट यू कैन ट्राई दिस, और आई थिंक जो मैंने सोचा उससे बेटर प्रीमियम सुपर, इट्स लुकिंग लाइक अ, और
ब्लैक के साथ जो मर्ज हो गया इंटीरियर से पैटर्न और जो कलर डिजाइनिंग है वो मुझे लगता है मेरी मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से कि वो वाइट से बहुत सुपर क्लास निकल गया ये गाड़ी। मुझे भी वही लगता है और स्टैंड आउट कर रहा है। काफी सारे प्रॉब्लम आ रहे थे बाय द टाइम जो आज मैं रियलाइज कर रहा हूँ इट्स टोटली वॉल्यूम चेंज हो गया बिल्कुल बिल्कुल मींस इट्स फील ही अलग है गाड़ी का। मींस टॉप लिप जो इसका टॉप मॉडल भी है तो अगर मुझे बोले तो 25 लाख में है तो उसमें जो प्रीमियम नहीं है उसमें तो मुझे तो ऐसा लगता है बेस मॉडल लो इंटीरियर अच्छा रहा और बेस्ट हो जाता है। मतलब ऐसा भी नहीं कि पैसा बहुत ज्यादा लग गया और मेरे मेरे को मजा भी नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मेरी मतलब मैं अगर आपसे फीडबैक दूं तो मेरे को ये पता है कि पैसे भी कम लगे और काम बहुत अच्छा होकर निकल गया। बिल्कुल बिल्कुल और पैसे तो आप कहीं भी चले जाओ लगते ही बट एट द एंड ऑफ द डे आपको बार बार भागना नहीं पड़ेगा। फिनिशमेंट कुछ वायर बाहर हो रहा है कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है गाड़ी वो नहीं होनी चाहिए वो नहीं है। तो मुझे जब मैंने एक महीने के आसपास आपके वीडियोस देखे काफी सारे कमेंट्स पड़े फीडबैक थे तो काफी सारी प्रॉब्लम्स और शिकायतें नहीं थी कमेंट्स वीडियोस में आपको मतलब आपने डिफाइन करने के लिए यही जाना जी मैंने वीडियो से नहीं जाना ये सब देखो भाई लोग यहाँ खड़े हुए सब साथ आए हुए पर आपने बोला और वो दिखने में भी रेड से बहुत सुंदर है मुझे भी ऐसा लगा जब हमने वीडियो बनाई आज तक ना मेरे लिए वाइंडेड से बेस्ट ऑप्शन नहीं है। मतलब वाइंडेड से चलो जो बन गया तो बन गया कलर वाइज बहुत सुपर क्लास है ये इंटीरियर बहुत अच्छा निकल के आया है। मैं तो किसाब से यही बोलूंगा किसी को भी इंटीरियर करवाना है कोई भी काम करना है ना कोई भी भैया के पास आना है और मैं बोल रहा हूँ वो गाड़ी टॉप मॉडल से भी बहुत ऊपर हो जाएगी ये बात मेरी। मतलब ऐसा नहीं कि पैसा लगा दिया और वर्थ मजा नहीं आया पैसा वसूल है पैसा तो कहीं भी काम कराओगे लगेगा ही पर पैसे से ऐसा लग रहा है कि पैसे से इतना पैसा नहीं लगा काम बहुत बड़ा हो गया है। नहीं नहीं बढ़िया बढ़िया थैंक यू आपका बहुत तो काम एकदम हो गया बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना है लाइक करना है शेयर करना है और बताना है कि कमेंट्स में आपको गाड़ी का काम मेरा कैसा लगा। सो वीडियो को करता हूँ एंड थैंक यू।